अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मेरे दोस्तों, आज है 12वां रमज़ान। तो अभी बज रहे हैं 6:25। तो अभी जो है हमारे यहाँ पे इफ्तारी बनने स्टार्ट हो रही है, तो हम बनाने जा रहे हैं। अभी हम पकौड़े तलेंगी मेरी बहन ने, अभी अम्मी ने जो है वहाँ पे इफ्तारी काट ली है। अभी उनके चीखने की आवाज़ भी आ रही होगी आपको, तो आप वो सब जान देंगे, क्योंकि अभी इफ्तार के टाइम पे जो है स्ट्रेस बहुत होता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, तो हम पे ही निकलती है। तो अभी बनाएंगी हरी मिर्च के पकौड़े बनाएंगी और बेसन के बनाएंगी, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो माशाल्लाह से इफ्तारी कटने स्टार्ट हो चुकी है, बहुत लेट इफ्तारी कट रही है। आज हमारे इफ्तारी में सेब, केले, अंगूर, अभी जो है पपीता कटेगा और थोड़े से खरबूजे कटेंगे। अभी ये काट रही जा रही हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए बहुत काम चोर है, बहुत हरी हल्के हाथों से काम करती हूँ। अब टाइम देखिए, टाइम बिल्कुल रफ्तार होने में बहुत कम टाइम रह चुका है, तब भी इनके हाथ इतने हल्के हल्के चल रहे हैं। और अभी मैं दिखाता हूँ किचन में क्या हो रहा है। तो देखिए, अम्मी ने कचरी डाल दी है, अब कचरी निकालेंगे अम्मी हमारी। देखो कचरी फ्राई हो चुकी है, अब इसके बाद पकौड़ियों की बारी है। पकौड़ी में बनेंगी, पनीर की पकौड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि आज पनीर नहीं है। देखिए कचरी कितनी अच्छी फूली है। अब पकौड़ी फ्राई हो रही हैं, इसमें आलू की, पालक की और हरी मिर्च की पकौड़ी है और गोभी की पकौड़ी है होने वाली है। ये भी पकौड़े, इफ्तारी बिना पकौड़े की अधूरी होती है। कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अफ्तारी का डी एंड हो चुका है गाइस, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब खा गए हैं सब। देखिए